ओके राइट। सो फर्स्ट वी विल डू द जर्नल एंट्री ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, देन वी विल डू द पोस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ बैलेंस वी हैव गॉट फॉर ईच एंड एवरी लेजर वी विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। इन द ट्रायल बैलेंस देर आर द टू बैलेंसेज, डेबिट बैलेंस एज वेल एज द क्रेडिट बैलेंस, एंड द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस फॉर द बोथ साइड दैट इज डेबिट एज वेल एज द क्रेडिट साइड विल बी द सेम। If the total of the trial balance of the both side does not match, then there will be a chances of the error. So we will have to rectify such error. So today we are going to discuss about the rectification of the error. So let us start. There may be a possibility of a one-sided error as well as the two-sided error. So one-sided error. In a computerized accounting, there is no chance for this one-sided error. If you are writing the manual books of account in the traditional system, then there will be a chances of the one-sided error. How the one-sided error? Same for example. Sells to Mr. A for rupees 1000. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ऐसा? क्या सो? Sells to Mr. A for rupees 1000. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर इसका होगा आपका मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आएगी 1000। अब उसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे? दिस इज माय मिस्टर ए अकाउंट एंड दिस इज माय सेल्स अकाउंट, राइट। सो मिस्टर ए की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू सेल्स 1000 एंड सेल्स की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे मिस्टर ए, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1000 लिखना था लेकिन मैंने गलती से 100 लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 1000 लिखा, वो राइट है, लेकिन यहाँ पे गलती से मैंने 1000 की जगह 100 लिख दिया। सो दिस विल बिकम द रॉन्ग। सो व्हेन एवर आई विल प्रिपेयर माय ट्रायल बैलेंस इट विल नॉट मैच, सो आई हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड आल्सो आई हैव टू रेक्टिफाई सच एरर। सो इन द कंप्यूटराइज एनवायरमेंट, इफ यू आर मेंटेनिंग अंडर द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, then there will be a no chance of one-sided error. However, if you are maintaining the manual books of account, then there will be a chances that Mr. A के account में सही posting हुई, लेकिन sales के account में under posting हो गई है. So there will be a chance to error of one-sided in the manual books of account. Same for example, rupees 100 received from this book was posted to his account at rupees 10. It means that this book's account has been credited worth rupees 10 instead of 100. So this is one-sided error. के this book के account में जो हमें 100 rupees credit करना था, उसकी जगह मैंने सिर्फ 10 rupees ही credit किए। तो this is one-sided error. Next example is the purchase book is overcharged by rupees 1000. This will affect the debit side of a purchase account where the total of purchase book is posted and no other account is affected. So same for example, मैं manual account maintain कर रहा हूँ, तो मैं manually हर एक ledger का total करूँगा, तो मेरे purchase का ledger है या फिर मेरे purchase book का ledger का total actually हो रहा था 1 lakh, उसकी जगह मैंने लिख दिया 1 lakh 1000. So मेरे जब भी ट्रायल बैलेंस में बनाऊंगा तो 1000 का डिफरेंस आएगा बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सो दिस इज कंसीडर्ड एज अ टोटलिंग एरर, वन साइडेड टोटलिंग एरर। सो दिस एरर विल आल्सो नॉट बी अपीयर इन द कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। नाउ द टू साइडेड एरर, सो दिस टू साइडेड एरर मे बी कमिंग अप इन द कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। हाउ? सेम फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड
सेम फॉर एग्जांपल आई हैव मेट द सेल्स टू मिस्टर बी वर्थ रुपीज 50,000, ठीक है, लेकिन मैंने उसकी एंट्री अकाउंट में 5,000 से कर दी है, ठीक है, तो मैंने क्या मिस्टर बे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, दोनों साइड 5,000 की एंट्री कर दी, ठीक है, तो ये तो मैंने कंप्यूटर एनवायरनमेंट में भी किया, सॉफ्टवेयर में किया, तो भी एरर हो गई, समझ में आया, दोनों साइड एरर हुई, मिस्टर बी के अकाउंट में 50,000 लिखना था, उसकी जगह मैंने 5,000 लिख दिया, सेल्स के अकाउंट में 50,000 की जगह मैंने 5,000 लिख दिया, तो अब मैं इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करूंगा, एनी आइडिया, सेल्स टू मिस्टर रुपीज 50,000, ठीक है, एंट्री मेड एक्चुअली मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। अब ये सेल्स टू मिस्टर बी रुपीज 50,000, उसकी एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए कृणाल, ये ट्रांजेक्शन की एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री होगी सर इसकी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, कितनी अमाउंट, एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री, जब मैंने ट्रांजेक्शन किया था तो एक्चुअल में क्या एंट्री होनी चाहिए, ये आप भूल जाओ, अभी इतना मैंने ट्रांजेक्शन किया तो एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पर अमाउंट कितनी, 50,000, 50,000, राइट, ठीक है, 50,000, लेकिन मैंने कितनी अमाउंट से एंट्री की, 5,000, सो मिस्टर बी के अकाउंट में मैंने 5,000 डेबिट किए, होने कितने जाए 50,000, सो रिमेनिंग कितने रहे 45,000, ठीक है, सेल्स के अकाउंट में मैंने कितने क्रेडिट किए 5,000, होने कितने चाहिए 50,000, सो रिमेनिंग कितने हुए 45,000, सो आई विल मेक अनदर एंट्री मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 45,000, नाउ माय टोटल विल बी मैच, दिस इज माय ओरिजिनल एंट्री विच आई हैव मेड बाय मिस्टेक एंड दिस इज आई हैव डन रेक्टिफिकेशन ऑफ माय एरर, ठीक है, सो दोनों का मिला के टोटल हो गया एंड दिस विल बी माय करेक्ट एंट्री, तो ये हो गई दोनों करेक्ट एंट्री, राइट, समझ में आया, क्लियर, ऐसा समझ में आ रहा है तुम्हें, यस सर, ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर, सो वन साइडेड एरर में क्या था अपना, कि सेल्स अकाउंट इज रॉन्गली पोस्टेड बाय 5,000 इंस्टेड ऑफ 50,000, दिस इज ओनली वन साइडेड एरर, कि सेल्स अकाउंट में मैंने रॉन्गली पोस्टिंग कर दी है 5,000 की 50,000 की जगह, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज वन साइडेड एरर, यहाँ पे सेल्स अकाउंट डालूंगा, ठीक है, तो मैंने 50,000 तो ऑलरेडी डाले हुए है टू कस्टमर्स अकाउंट, 5,000 तो ऑलरेडी ये एंट्री की हुई है, लेकिन 50,000 की एंट्री होनी चाहिए, तो रिमेनिंग कितने हो गए 45,000, यहाँ मैं लिखूंगा डिफरेंस ड्यू टू एरर ओरिजिनली मेड नाउ रेक्टिफाइड, समझ में आया, सो दिस टोटल विल नाउ मैच, सो हमने जर्नल एंट्री भी सीख ली, लेजर में कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो भी सीख लिया, एंड अगेन आफ्टर मेकिंग ऑल द करेक्शन यू विल प्रिपेयर अगेन द ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर रेक्टिफाइंग ऑल द एरर यू विल गेट योर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बाय गेटिंग द सेम टोटल ऑफ योर डेबिट साइड एज वेल एज द क्रेडिट साइड, नाउ वन मोर एरर मे बी अपियर डेट आपने
फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड टू मिस्टर एम रुपीज 10,000 फॉर जनवरी 2021 इज एंटर्ड ट्वाइस। ठीक है, मैंने सैलरी का पेमेंट किया एक ही बार, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से दो बार एंट्री कर दी, तो उसने एंट्री क्या की होगी? पहले तो सैलरी पेमेंट की एंट्री क्या होगी मयंक? सैलरी पेमेंट की एंट्री क्या होगी? मयंक आर यू देयर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एम, तो मिस्टर एम अकाउंट कितनी अमाउंट? 10,000। ठीक है, सो ए एंट्री करेक्ट, दिस एंट्री ए एंट्री, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से एंट्री दो बार कर दी है, सो दूसरी बार भी कौन सी एंट्री की इसने? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एम अकाउंट, ठीक है, 10,000। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने सैलरी में 10,000 की जगह 10 और 10, 20,000 डेबिट कर दिया, और मिस्टर एम के अकाउंट 10,000 की जगह 20,000 ऐड कर दिया, या फिर आप यहाँ पे अगर पेमेंट कर दिया है तो आप यहाँ पे कैश लिखोगे, ठीक है, अगर पेमेंट नहीं किया है तो मिस्टर एम के अकाउंट पे क्रेडिट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे 10,000 की जगह 20,000 का बैलेंस हो गया मेरा, ठीक है, तो अब मुझे उसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई कैसे करूंगा? आई विल पास द रिवर्स एंट्री। इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? मिस्टर एम या फिर कैश अकाउंट। हाँ कुणाल बोलो। मिस्टर एम डेबिट टू सैलरी, हाँ कितने अमाउंट? 10,000, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 और 10, 20,000 डेबिट किए हैं, एक्चुअल में कितने करने थे? सिर्फ 10,000, सो आई विल क्रेडिट 10,000। नाउ माई टोटल विल बी 10,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 20,000 एंड 10,000 क्रेडिट, सो दिस 2,000 इज 20,000 माइनस 10,000 क्रेडिट, सो अल्टीमेट इफेक्ट इज ओनली 10,000 डेबिट। अगर ये कंप्यूटराइज एंट्री है और अगर आपने ऐसा कंट्रोल डायल नहीं रखा है कि कोई भी बंदा एंट्री डिलीट नहीं कर सकता है, तो आप कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में एक एंट्री डिलीट कर दोगे, ठीक है, ये एंट्री आप डिलीट कर दोगे तो अपने आप करेक्शन हो जाएगा, आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एंट्री डिलीशन का राइट नहीं होता है सबके पास, ठीक है, तो उसके लिए करेक्शन के लिए वो लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब क्या है? डेबिट साइड में भी एरर है और क्रेडिट साइड में भी एरर है, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है, क्यों? कि डेबिट साइड में 100 रुपीज की एरर है और क्रेडिट साइड में भी 100 रुपीज की एरर है, तो दोनों साइड सेम एरर है, तो आपकी एरर कंपेंसेट हो गई, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ एरर विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, ठीक है, सो इससे बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। नाउ देयर मे बी अ चांसेस दैट हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, दो खर्चे का बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा साल तक मिलने वाला है उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो खर्चे का बेनिफिट हमें पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलने वाला है उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ
अब मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बताता हूँ। परचेज ऑफ मशीनरी ₹1 लाख वाया बैंक पेमेंट, इसकी एंट्री क्या होगी? ऐसा सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब ऐसी भी एरर हो सकती है कि मैंने मशीनरी की जगह, अगर किसी अकाउंटेंट को पता नहीं होगा, ठीक है, कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसने मशीनरी की जगह परचेज में एंट्री कर दी। ठीक है, मशीनरी की जगह परचेज में एंट्री कर दी, तो मेरी एंट्री गलत हो गई, लेकिन मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। समझ में आया? अमाउंट सही है, 1 लाख, 1 लाख बैंक अकाउंट में, 1 लाख क्रेडिट हुआ, परचेज अकाउंट में 1 लाख डेबिट हुआ, तो मेरी अमाउंट सही है, एंट्री गलत हुई है, लेकिन फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, क्योंकि मेरा दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है इस एंट्री में। तो अब इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, लेकिन होना क्या चाहिए? मशीनरी अकाउंट। सो मैं क्या एंट्री करूंगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट किया था, वो राइट था, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैंने किसको डेबिट कर दिया था? गलती से परचेज अकाउंट को, तो अब मुझे उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख। सो दिस परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड दिस परचेज अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। सो अल्टीमेट इफेक्ट टू द परचेज अकाउंट इज ऑलरेडी बिकम 0। सो नाउ विच एंट्री इज अपियरिंग? मशीनरी अकाउंट इज डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो दिस इज योर राइट एंट्री। समझ में आया ऐसा मयंक कुणाल? ये यस सर। फिर से बताओ मशीनरी वाला। हाँ, सर समझ में आ गया। गया ना? ठीक है, ठीक है। आप लोगों को टैली पता है कि नहीं आता है आप लोगों को टैली? ऐसा मयंक कुणाल, सर आता है टाली। मयंक कुणाल यस आता है टैली? तो सर, टैली में आपको पता है ना सारी, अगर आपने जर्नल एंट्री की तो अपने आप फाइनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगी, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। पता है ना ये कि नहीं यस पता? सर, तो पता है देखो सर। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 to 1 पूरा प्रैक्टिकल एंट्री टैली में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द गेटवे ऑफ टैली के। कैन यू सी दिस स्क्रीन ऑफ टैली कुणाल? ऐसा आपको टैली की स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, अब हमें एक एंट्री करनी है। ठीक है, आपको मुझे एंट्री बतानी है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए वर्थ ₹1 लाख, इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ₹1 लाख, इसकी एंट्री क्या होगी? अच्छे से काम डेबिट टू मिस्टर हाँ ठीक है, सो यहाँ पे मैं डेट डालूंगा। ठीक है, अब मुझे परचेज की एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेट, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ पे पार्टी का नाम में क्या आएगा? मिस्टर ए अकाउंट। ठीक है, सो मिस्टर ए का लेजर बना हुआ नहीं है, तो आई विल प्रिपेयर मिस्टर ए लेजर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, मिस्टर ए अकाउंट को क्या करना है हमें? क्रेडिट, यहाँ पे आप देखोगे एक क्रेडिट है। ठीक है, तो मिस्टर ए अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 1 लाख, सो परचेज अकाउंट।
ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई जर्नल एंट्री में, आपको समझ आया। अब हमें देखना है परचेज का लेजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी परचेज के लेजर में जाके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये परचेज का लेजर है। आप टॉप ऑफ द स्क्रीन देखो टेली ईआरपी 9 के नीचे लिखा हुआ है लेजर परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर ए अकाउंट इज डेबिटेड परचेज, ठीक है। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे 1,00,000 लिखा हुआ है और पर्टिकुलर में क्या लिखा है, मिस्टर ए। अब आपको मिस्टर ए का लेजर चेक करना है, तो मिस्टर ए के लेजर में चले जाओ। यहाँ पे आप देख पाओगे परचेज अकाउंट और क्रेडिट साइड पे आप देख पाओगे 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो इफ यू आर मेकिंग ओनली द करेक्ट जनरल एंट्री, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, दैट इज फ्रॉम द जर्नल एंट्री टू ऑल योर लेजर पोस्टिंग, दिस इज योर लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ द जर्नल एंट्री। नाउ व्हेनेवर यू सी द ट्रायल बैलेंस, दिस इज डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, सो हियर यू विल फाइंड परचेज अकाउंट 1,00,000, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर में 1,00,000 रुपये आ गया मिस्टर ए का, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली ये ट्रायल बैलेंस हो गया, ये मेरा ट्रायल बैलेंस दोनों साइड से मैच हो गया। नाउ फाइनल अकाउंट, जो हमने सिखा था फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो भी अपने आप बन जाएगा। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आ गया मेरा परचेज, ठीक है। मैंने सेल की कोई एंट्री डाली नहीं है, सो ये परचेज अकाउंट और ये मेरी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देख पाओगे कि मुझे मिस्टर ए को 1,00,000 रुपये देने बाकी है, तो ये मिस्टर ए इज माई लायबिलिटी ₹1,00,000, ठीक है। समझ में आ गया कि टैली की वजह से पूरी की पूरी जर्नल एंट्री आपको पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट अप टू डेट बना के दे देगी। अंडरस्टैंड, क्लियर है सबको? यस सर। अब एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने का रूल। हमने जो फाइनल अकाउंट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, उसको सॉल्व करने का मास्टर रूल, ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्री होगी उसकी ऑलवेज 1 इफेक्ट आएगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो भी इफेक्ट होगी उसकी ऑलवेज 1 एंट्री आएगी। एडजस्टमेंट दिया होगा ट्रायल बैलेंस के नीचे, उसकी 2 इफेक्ट आएगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की ऑलवेज 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट की ऑलवेज 2 इफेक्ट। नाउ ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो ये तीनों में से एक जगह पे आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, पीएनएल में क्रेडिट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आप इतना याद रखोगे, आपका फाइनल अकाउंट का सम, ये आप दोनों रूल्स याद रखोगे कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट है या ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है तो कहाँ पे आएगा, ये दोनों रूल्स याद रखोगे तो 50% से ज्यादा आपका प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है आप सबको ये? ऐसा मयंक? यस सर। ओके, नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सॉल्व करने का एक और भी तरीका है कि मेरा ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे मेरा डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 6,000 और यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड पे 7,500, सो हाउ मच डिफरेंस इज, 1,500 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, ट्रायल बैलेंस में लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट 1,500। अब मेरा टोटल क्या हो जाएगा, 7,500। सो मैं एक बार अपना ट्रायल बैलेंस मैच कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज माय सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा
डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है 1500। नाउ जो भी मैं अपनी एरर रेक्टिफाई करूंगा उसको मैं यहाँ पे क्रेडिट करता जाऊंगा, अल्टीमेटली दिस 1500 का बैलेंस है वो अपने आप जीरो हो जाएगा। सो जो भी मैंने एरर रेक्टिफाई की वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी और मेरा ट्रायल बैलेंस अपने आप मैच हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड मेथड इन विच यू कैन प्रिपेयर द रेक्टिफिकेशन एंट्री। जो भी आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है उसे सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दो, फिर आप अपनी एरर को फाइंड आउट करो और एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या एंट्री डालोगे, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसकी एंट्री डालोगे, ठीक है। सो अपने आप आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा और आपकी एरर भी सॉल्व हो जाएगी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ सीवा डिड नॉट टैली, द क्रेडिट साइड एक्सीडेड बाय 1455, दिस अमाउंट वाज एंटर्ड इन द डेबिट कॉलम अगेंस्ट द सस्पेंस अकाउंट एंड द ट्रायल बैलेंस वाज मेड टैली। नाउ द फॉलोइंग एरर वाज डिस्कवर्ड, गुड्स वर्थ ₹1250 सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, दिस वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड। तो हमने सेल्स बुक में एंटर की है लेकिन पोस्टे नहीं की है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, मेन सस्पेंस अकाउंट में मैंने 1455 डेबिट ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं जो भी एंट्री करूंगा वो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड इस तरह से करूंगा कि जो मेरा डेबिट है सस्पेंस का वो उतना का उतना क्रेडिट हो जाए। तो एंट्री क्या होगी, महेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1250, ठीक है, क्योंकि मैंने महेश अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, ठीक है। सेल्स बुक में मेरी एंट्री हो गई है लेकिन मैंने महेश अकाउंट में एंट्री नहीं की है, सो महेश अकाउंट इज डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज द सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 420, अंडरकास्ट का मतलब सेल्स का टोटल 420 से कम हुआ है, तो सेल्स का टोटल ज्यादा होना चाहिए, तो सेल्स अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा होने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। सो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 420, सो टू व्होम अकाउंट आई विल डेबिट, सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज मैंने सस्पेंस अकाउंट बना के ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया है। सो अल्टीमेटली आई विल हैंडल ईच एंड एवरी रेक्टिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज दिस सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे आप देखोगे 1455 का डिफरेंस है, उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट की है तो मेरा सस्पेंस अकाउंट के दोनों का बैलेंस अपने आप मैच हो गया। अब इसमें किसी को डाउट है, ये चैप्टर इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी काफी सारे एरर कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में रह जाती है, तो इसका नॉलेज जरूरी है। इसमें किसी को एरर डाउट है, कुणाल? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, नाउ अब हमने जो भी पढ़ा अभी तक उसमें आपको कहीं पे भी किसी टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में थियरी पढ़ी थी, फिर जर्नल एंट्री, फिर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने आज करवा दिया, बैंक रिकन्सिलेशन भी आपका हो गया है, ठीक है। अभी तक के कोई भी चैप्टर में आपको डाउट हो तो आप पूछ लो। हेड आउट किसी को? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। नो सर। सो नाउ वी विल गो फर्दर, वी विल डू सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो आपको फॉलो करना कंपलसरी होता है, हालांकि कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप या छोटे छोटे
बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि काफी सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसी है जिसमें यू कैन गो फॉर अ मल्टीपल ऑप्शन। सेम फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, अगर डेप्रिसिएशन है आपका तो आप WDV मेथड या फिर SLM मेथड फॉलो कर सकते हो। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वह आपकी हर एक अकाउंटिंग एंट्री को मतलब स्टैंडर्डाइज कर देगा। सो देयर विल बी अ लेस चांसेस ऑफ अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ड्यू टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल ट्रीटमेंट विल बी मोर यूजफुल। समझ में आया? अगर एक कंपनी WDV मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम करती है और दूसरी कंपनी SLM मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम करती है, तो आप दोनों का कंपैरिजन अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट दोनों में अलग अलग आएगी। सो बेसिकली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इट विल बी रिकमेंडेड टू द नेशनल अकाउंटिंग बोर्ड and it will be ultimately recognized by the Ministry of the Corporate Affairs. So Ministry of Corporate Affairs उसको notify करता है और accounting standard फिर compulsory हो जाता है। तो अभी तक almost 29 accounting standard institute ने notify कर दिए है, ठीक है। और अब accounting standard की जगह एक और नया accounting standard आ गया है, Indian accounting standard, जो कि इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से प्रिपेयर किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं IFRS, ठीक है, IFRS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से हमने इंडियन ES बना लिए और वो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए गए। सो देर आर हाउ मेनी स्टैंडर्ड? देर आर 29 स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट 32 स्टैंडर्ड आर इश्यूड, हाउएवर सर्टेन स्टैंडर्ड आर ऑलरेडी विथड्रॉन बाय द CA इंस्टीट्यूट। तो पहला स्टैंडर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हमने पढ़ा था AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सो आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट यू हैव टू डिस्क्लोज। So it is given, where it is given? In the accounting standard itself, and it is a compulsion to follow the accounting standard because it is required by the law. Next is the accounting standard 2, valuation of inventory. So आप inventory की valuation कैसे करोगे? There are multiple methods for the purpose of valuation of a inventory. Same for example, FIFO method, LIFO method, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। सो फीफो मेथड का मतलब क्या है पता है मयंक आपको? सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हम फीफो मेथड से अकाउंटिंग फॉर वैल्यू, अगर हम फीफो मेथड से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी करेंगे, तो जो मैंने पहले परचेज किया होगा वो मैं क्या गिन लूंगा? उसका सेल हो गया, ठीक है। मेरे पास स्टॉक कौन सा बचेगा? जो लास्ट में परचेज किया है उसका ही स्टॉक बचेगा, क्योंकि जो फर्स्ट इन हुआ है वो ही फर्स्ट आउट हुआ है। समझ में आया कि मैंने एक तारीख को 100 नंबर ऑफ मटेरियल परचेज किए, फिर दो तारीख को 100 नंबर ऑफ मटेरियल किए, यहाँ पे रेट था 10 रुपये और यहाँ पे रेट था 8 रुपये, और मैंने 3 तारीख को 100 नंबर ऑफ मटेरियल सेल कर दिए 15 रुपये में। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो एक तारीख का जो इन हुआ उसे ही मैंने आउट कर दिया है। तो मेरे पास स्टॉक कौन सा बचा? 100 रुपीज का 10 रुपीज वाला। तो इसे बोलते हैं फीफो मेथड से अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। अब नेक्स्ट इज द लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 3 तारीख को मैंने 100 नंबर बेचे, तो मैं उससे मान लूंगा कि ये 2 तारीख वाले में से बेचे हैं और जो मेरा 1 तारीख वाला है वो स्टॉक एज इट इज पड़ा है, तो उसे बोलते हैं लीफो मेथड। सो देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ इन्वेंटरी। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिगार्डिंग
वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैसे किस फॉर्मेट में बनाना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है, ठीक है। फिर आपका आता है रिलेवेंट स्टैंडर्ड है AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे आपने जो भी नई प्रॉपर्टी परचेज की या फिर प्रॉपर्टी सेल आउट की मतलब फिक्स एसेट उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो कहाँ पे दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। और डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो भी दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन का अलग से स्टैंडर्ड था लेकिन अब उसको इंस्टीट्यूट ने कंबाइन करके AS 10 बना दिया और AS 6 इज अल्टीमेटली विथड्रॉ, ठीक है। तो दिस इज योर रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज रिक्वायर्ड इन अ डे टू डे प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड? नाउ अगर अभी किसी को डाउट है और कोई, क्योंकि हमने जो भी मुझे जो भी चैप्टर दिए गए थे वो सारे ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ईशा कुणाल मयंक? नहीं सर। जो जो चैप्टर में डाउट है वो आप बता सकते हो या फिर आपको कुछ और जो नहीं आता हो वो पढ़ना हो तो भी बता सकते हो, क्योंकि जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो शैल वी एंड नाउ? यस सर। ओके, अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो मैं समीर सर से बात कर लूंगा कि इतने इतने चैप्टर मैंने लिए है, अगर कोई भी नया चैप्टर ऐड करना है या आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप बता देना, आई विल टेक द एडिशनल सेशन फॉर द सेम। ओके तो मटेरियल शेयर कर दूंगा या फिर अगर आपको ये लिंक दिख रही है कुणाल। यस सर। ये लिंक दिख रही है आपको ICAI पोस्ट फाउंडेशन, इसमें से ही हमने कराया हुआ है, ठीक है। जो ये हमारा जो फाइनल अकाउंट का था वो भी मैंने इसमें से ही कराया हुआ है आपको, ठीक है। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आप देखोगे तो मैंने इसमें से ही कराया हुआ है और ये एकदम इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। ये सब जो हमने किया था वो सेम है। आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा और अगर ऐसा कुछ मटेरियल चाहिए तो मैं समीर सर के बात करके अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। देखो ये स्क्रीन में जितने भी चैप्टर देख रहे मोस्ट ऑफ आर क्लियर, ठीक है। हमने लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकंसिलेशन, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ योर CA फाउंडेशन आर ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप बता देना, वी विल टेक सम ऑफ द एडिशनल सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू सर।